या तो खाली भी करेंगे किरायादार है तो, या तो फिर पूरी तरीके से जो ना वक्फ को किराया आना और पूरी तरीके से इंक्रोच नहीं कर सकते लोग। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती, एक बार वक्फ करने के बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसको डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर सकते और कोई आके कोई उसको डॉक्यूमेंट को उलट पलट नहीं कर सकता उसको। सुनिए लिहाजा जो है एक एक चीज़ इंशाल्लाह एक के बाद एक, एक के बाद एक वक्फ हासिल करता जाएगा समझा, क्योंकि एक साथ तो एक ही दिन में पूरा वक्फ सुधारना हो तो मुश्किल हो जाता। स्टेप बाई स्टेप जा रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ को हासिल करेंगे समझा। जब तक हम यहाँ वक्फ में इंशाल्लाह कोई चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, कानूनी भी और गैर कानूनी भी जो भी लोग बैठे हुए वो लोग भी हटाएंगे पूरी तरीके से, लीगल तरीके से, कोई गुंडागर्दी कोई गलत इससे नहीं, सीधा सीधा कोर्ट से ही करेंगे वो लोग। पुलिस की सपोर्ट और हर चीज़ की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके वक्फ के फायदे में जो हो सकता है वो काम करेंगे, और वो काम होने के बाद वक्फ की इनकम बढ़ने के बाद वो इनकम वक्फ भी ले रख लेगा, गरीबों में तकसीम करेगा, वो गरीबों को कैसा हेल्प करना है मेडिकल में, हॉस्पिटल में, और जो है जो लावारिस डेड बॉडीज है उसके लिए, एजुकेशन के लिए, अच्छे से अच्छे कामों में, शादियों के लिए, बहुत से स्कीम्स हैं हमारे इंशाल्लाह ताला वो करेंगे हम। जनरल साहब आप जितने जगह दौरा किए हैं क्या उसमें जो है कितने जगहों पे जो है कामयाबी हासिल हुई आपको अभी तक? पूरी ना एक एक जगह होते जा रही, स्टेप बाय स्टेप होते जा रही, पहली कामयाबी ये भी हुई, वैसराय का भी हुआ। जी जी, वैसराय का क्या हुआ साहब? स्टे कर दिया ना उसको, भेज दिया दिया उसको, हां फिर वो तो 300-400 करोड़ का मैटर था, और डीआरटी कोर्ट में जाके सेंट्रल कोर्ट है वो, वहां जाके रुका दिया उसको सडनली। ये तो 28 तारीख को ऑप्शन था उसका, पूरे बैंगा वाले ऑप्शन कर दे रहे थे प्रॉपर्टी, और 92 करोड़ से ऑफसेट प्राइस थी, 300-400 करोड़ तक जाता था मेट्रो, वो भी रुका है हम लोगों। कोर्ट की तश्कील के बाद पहले इजलास में आप एक बात का जो ना खुलासा किए थे कि आईएएस ऑफिसर जो ना 600-900 गज अराजी पर कब्जा करके इमारत बना रही है, बोलिए बिल्कुल क्या वो जगह जो ना हासिल हो गई साहब? नहीं, वो कोर्ट में जाने ना उसका भी रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द, कोर्ट में उसके लिए भी अपील कर रहे हैं कोर्ट में, वो 900 गज ही नहीं है ना, 9000 गज जमीन से ज्यादा है वहाँ पर समझे, 900 गज का एक जमीन नहीं, ऐसे एकड़ों में हजारों एकड़ों में जमीन कब्जे करे हुए। मस्जिद नाना बाग का साहब फिर एक मरतबा दोहरा रहा, अभी भी जो ना काम चल रहा है हमेशा सुनने में जा रहा मस्जिद जायदाद नाना बाग पे जो ना दादा का जो ना कुछ प्रेशर आ रहा बोल के, दादा बाग का जो ना कुछ प्रेशर आ रहा, कुछ सियासी नहीं, किसी का प्रेशर नहीं है, हम किसी के प्रेशर में काम भी नहीं करते, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी रहता हम डरते ना किसी के प्रेशर में आके काम करते, जो लीगल है जो सिस्टम है जो वक्फ के हिसाब से मंशा है वक्फ के हिसाब से हर एक को स्टेप बाई स्टेप काम कर रहे हैं उसके लिए। जब नोटिस है जब भेजा है तो साहब अभी तक वक्फ की जानिब से कोई एक्शन लिया नहीं गया प्रॉपर्टियों को जो ले रहे ना एक के बाद एक साथ तो ले रहे सकते ना जी, एक साथ आज ही होना बोलते रहे होता 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीने ऐसा चलते रहता काम। चलिए।